हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं आपसे कैथोड किरण कंपरदर्शी क्या होता है, जिसको कैथोड किरण ऑस्किलेटर या कैथोड रे ऑस्किलेटर कहते हैं, सीआरओ भी कहते हैं इसको, हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि सीआरओ जो होता है वो किस प्रकार से इसका वर्किंग फंक्शन होता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसका बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट जो यूजेस है हमारी लाइफ में क्या है वो हम देखेंगे। तो अगर आप नहीं जानते हो सीआरओ के बारे में या इसके अनभिज्ञ हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपके घर में जो पुरानी टीवियां होती थी, जो पीछे से थोड़ी बड़ी फैली हुई होती थी, या फिर पुराने जो कंप्यूटर आपने देखे होंगे जो पीछे से थोड़े बड़े होते रहते थे, तो ये जो होते थे इनका जो स्क्रीन होता होता वो इस टाइप से ही होता था, जो सीआरटी ट्यूब से ही बने होते थे, इसके लिए इसलिए उनको हम सीआरटी कंप्यूटर या सीआरटी टीवियां भी कहते हैं। आइए शुरू करते, समझते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। तो जो सीआरओ होता है वो कहाँ यूज़ होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सीआरओ होता है या कैथोड रे ऑस्किलेटर होता है, इसके अंदर एक कॉनिकल शेप ग्लास पाइप होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्लास पाइप है जो कॉनिकल शेप में है, आपको दिखाई दे रहा है। बेसिक अगर सीआरओ की बात करें तो सिर्फ इतना ही होता है। इसके बाद जो भी इसको असेंबल करने के लिए या उसको सुव्यवस्थित दिखाने के लिए जो भी उसके ऊपर कवर लगा दिया जाए वो लगा दिया जाए, लेकिन बेसिक जो होता है अंदर का जो होता है भाग वो सिर्फ ऐसा ही होता है, ये चीज़ होता है। और ये जो आपको ग्लास दिखाई दे रहा है, ग्लास शेप जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरे इसके अंदर 10^-5 से 10^-6 मिलीमीटर पर पारे का वैक्यूम रखा जाता है, पारे के साथ वैक्यूम रखा जाता है, वैक्यूम एट 10^-5 टू 10^-6 mm पारे का दाब रखा जाता है। तो इससे होता यह है कि इसके अंदर जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इस टाइप से जब यहाँ पे गति करता है तो उसका किसी से जो हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन या फिर हम कहें क्रिया नहीं करता है और बिना अभिकृत हुए आगे बढ़ता रहता है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन किसी से भी क्या कर सकता है, संयोग कर सकता है। तो यहाँ पर यह वैक्यूम रखा जाता है, मतलब अगर पारे का हम वैक्यूम दाब मापी यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से 10^-6 mm का यहाँ पर हम वैक्यूम रखा जाता है, जिससे उसके अंदर कोई भी वायु ना हो और वो जो भी इसके अंदर कंपोनेंट है वो सुरक्षित रहें। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बिना किसी अभिक्रिया के आगे जैसा भी हम उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अनुसार वो वर्क कर सके। तो ये आप चीज़ समझ में आ गए, कॉनिकल शेप का एक यहाँ पे ग्लास पाइप होता है। इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ये फिलामेंट और यहाँ पर A1 A2 जो होते हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल एनोड लगे रहते हैं। दूसरा यहाँ पर ये ऊपर नीचे की तरफ से Y1 Y2 और साइड से, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे। तो आपको जो ये रेड वाला दिखाई दे रहा है ये ऊपर से ये प्लेटें लगी हुई होती हैं और जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो साइड से प्लेटें लगी होती होंगी। तीनों हम बोलते हैं, ये तो हो गया आपका हॉरिजेंटल और ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेट्स। अब इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है, जो A1 A2 सिलेंड्रिकल शेप दिखाई दे रही, ये आपको Y1 Y2 X1 X2 जो है ये डिफ्लेक्टिंग प्लेटेट्स होती हैं। और तीसरा जो आपको यहाँ पे कॉनिकल शेप में दिखाई दे रहा है ये पूरा क्या होता है, स्क्रीन या पर्दा होता है। अब जो पर्दा होता है और ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेटेट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन गन होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर होता ये है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फिलामेंट होता है जिसके ऊपर थोरियम ऑक्साइड का लेप बना होता है, जिसको फिलामेंट को गर्म करते हैं। इसको गर्म करने का मतलब इसके अंदर तापानिक उत्सर्जन कराते हैं। अगर हम किसी धातु को गर्म करें तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हमने तापानिक उत्सर्जन के अंदर पढ़ रखा है। तो इसको बहुत ही हाई वोल्टेज पर ST पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो कैथोड से यहाँ पे टकराते हैं, और कैथोड जो होता है पूरा ग्रिड से घिरा हुआ रहता है। ग्रिड का जो यहाँ पर वोल्टेज रहता है वो कैथोड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब इलेक्ट्रॉन गन के अंदर फिलामेंट थोरियम ऑक्साइड का बना होता है, इसके अंदर थर्मोनिक इमिशन कराया जाता है, तापानिक उत्सर्जन कराया जाता है, गर्म करके इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। कैथोड को सी से और यहाँ पे हमने ग्रिड को जी से दर्शा रखा है, और इसके बाद सिलेंड्रिकल एनोड जो होते हैं A1 A2 आपको इसके अंदर कंपोनेंट्स में असेंबल्ड मिलेंगे। इसके अंदर होता यह है कि जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो क्या होता है कि ये जो कैथोड होता है इसके कारण ये एक पतली रेखा बन जाता है, यहाँ पे एक थोड़ा सा छेद रहता है, इसे एक पतली रेखा के रूप में आगे उत्सर्जित बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं थर्मोनिक इमिशन से। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आगे आता है तो यहाँ पे कैथोड से एक हल्की सी पतली सी रेखा के रूप में आगे बढ़ता है, और जो ग्रिड होता है क्या करता है, उसको एक पतली और पतली एकदम मतलब एक बीम टाइप से
आगे इमिट करता है। ये सिलेंड्रिकल जो बेलन A1 A2 होते हैं, सिलेंड्रिकल जो शेप के एनोड्स होते हैं, इसे क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। एनोड्स होते हैं तो हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टाइप का क्या है, यहाँ पर जो होता है एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये एनोड्स होते हैं। तो क्या करता है ये, इसको चारों तरफ से जो होता है सिलेंड्रिकल शेप में जो एनोड्स होते हैं वो लगे रहते हैं, जिससे ये एक्सेलरेट होता है। तो ये एक्सेलरेटर एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये एनोड क्या होते हैं, एक्सेलरेटर का काम करते हैं और अलग अलग दूरी पर लगे रहते हैं। ये A1 A2 मैंने बताया, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ बीम से निकलता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके आगे का जो पार्ट होता है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के अंदर आ जाता है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करती हैं, इसके अंदर दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हम यहाँ पर वोल्टेज लगाते हैं, Y1 Y2 पर वोल्टेज लगाते हैं, तो Y1 ऊपर है, Y2 नीचे है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उनके विक्षेप के कारण या तो ऊपर या फिर नीचे, या तो ऊपर या फिर नीचे, मतलब ऊपर नीचे कंपन करने लगेगा। अगर ये सिर्फ हमने X1 X2 पर वोल्टेज नहीं लगाया और सिर्फ Y1 Y2 पर वोल्टेज लगा रखा है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊपर नीचे क्या करता है, यहाँ पर ऑस्किलेशन करने लगता है। मतलब आपको ऊपर नीचे CRT का जो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई दे, उसमें ऊपर नीचे एक बिंदु टाइप से कंपन करता हुआ एक रेखा दिखाई देती है, तो ऊपर नीचे कंपन करने लगता है। और इसके बाद यहाँ पर जो, चूंकि ये ऊपर नीचे कंपन करता है, इसलिए हम इसको ऊपर नीचे के कारण इसको वर्टिकल यहाँ पे वाइब्रेशन के कारण इसको वर्टिकल प्लेट्स कहते हैं, क्योंकि ये प्लेटें क्या करती हैं, वर्टिकल वाइब्रेशन कराती हैं इलेक्ट्रॉन को, जो हमें यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई देता है। आगे जब हम बढ़ते हैं, जब X1 X2 प्लेट आती हैं, तो यहाँ पे X1 X2 जो होती हैं ये इस टाइप से लगी रहती है, तो क्या होती हैं, इधर से और इधर से वोल्टेज लगाती हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके बीच में क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टल टाइप से क्या करता है, कंपन करने लगता है। अगर दोनों एक साथ यहाँ पर लगी हुई हों तो यहाँ पर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क होता है, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं, इस टाइप से यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर इन दोनों प्लेटों पर, ऊपर नीचे प्लेटों पर अगर हम कहें कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव अगर हम वोल्टेज लगा दें, तो क्या होता है, अगर दोनों तरफ से नेगेटिव वोल्टेज लगा हुआ होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा इधर विक्षेपित हो जाएगा नेगेटिव के कारण नेगेटिव, और इधर वाला जो आएगा इधर विक्षेपित हो जाएगा, सीधे वाला सीधे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम नेगेटिव चार्जेस लगाते हैं, मतलब X1 X2 और Y1 Y2 पर अगर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल, तो वो क्या होता है, हमें यहाँ पे कन्वर्जेंट पॉइंट मतलब अभिसारी, एक घिरा हुआ जिसको हम जानते हैं कन्वर्जेंट, आप समझ रहे होंगे, अभिसारी मतलब अभिकेंद्रित जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पुंज प्राप्त होता है, काफी सिकुड़ा हुआ प्राप्त होता है, काफी छोटा प्राप्त होता है, अगर हम गोले की बात करें काफी छोटा गोला प्राप्त होगा इस टाइप से। जितना वोल्टेज लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमें क्या होता है, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे विक्षेप हमें प्राप्त होता है। अगर दोनों ही प्लेटों पर हम क्या करें, प्लस वोल्टेज लगाए, तो प्लस के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और ये जो होगा प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, बीच वाला सीधे सीधे आगे निकल जाएगा, तो यहाँ पर जो होगा डाइवर्जेंट डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है, अपसरण मतलब आगे बढ़ जाता है, आगे जाके फैल जाता है इस टाइप से, और यहाँ पे हमें एक बढ़ा हुआ या फैला हुआ जो फ्लोरोसेंट है वो हमें दिखाई देता है, इसके ऊपर चमक हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर A1 A2 और A2 A2 जो हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे A1 A2 जो हमें दिखाई दे रही है, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट के साथ जो एनोड्स होते हैं, अगर इन पर A1 A2 अगर की बात हम करें, तो क्या होता है कि ये जो होता है, एक्चुअली मैं जो ये बात कर रहा था ये हम यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को बता दिया, ये जो फंक्शन है ये मैंने यहाँ पे ये जो सिलेंड्रिकल एनोड्स होते हैं इनके फंक्शन बता रहा था, चूंकि इनके आगे है तो इसका ही फंक्शन है, ये प्लेटों के समझाने के बाद वापस में इस पे आया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, A1 A2 अगर A1 को हम थोड़ा कम वोल्टेज दे और A2 को हम ज़्यादा वोल्टेज दे, लेकिन दोनों को अपोजिट वोल्टेज, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा कि हम देखते हैं कि अगर A1 A2 को प्लस वोल्टेज देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है ये पाथ शो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ऊपर चला जाएगा, मतलब विक्षेपित ऊपर की ओर होगा, और ये इधर नीचे की ओर विक्षेपित होगा। लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज ऊपर ये इस टाइप से यहाँ पे विक्षेपित हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। अब ये विक्षेपित हो गया, इसके बाद यहाँ पे A2 जो यहाँ पे दो प्लेटें दिखाई दे रही हैं, इन पे मैं नेगेटिव वोल्टेज लगा दूँ तो क्या होगा, ये अधिकतम जाके वापस ये दबा देंगी, मतलब इसको जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेल के ऊपर आया हुआ था इसको वापस क्या करेंगी, इस टाइप से दबा देंगी। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, एक पॉइंट मिलेगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमें
जो फ्लोरोसेंट है वो दिखाई देगा, पॉइंट साइज का फ्लोरोसेंट दिखाई देगा। तो ये हमारे A1 A2 टाइप से फ्लोरेंट टाइप का जो पॉइंट होता है वो आगे बढ़ेगा, मतलब एक बीम होती है वो आगे बढ़ेगी यहाँ से। अब ये बीम आगे बढ़ती है तो इनके ऊपर जो होता है Y1 Y2 X1 X2 से हम क्या करते हैं, फील्ड लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फील्ड होती है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फील्ड लगाई जा सकती है। अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फील्ड जब हम लगाते हैं तो ये वर्क कैसे करता है वो आइए देखते हैं। इस वर्क को देखने के लिए हमें एक स्क्रीन चाहिए कि मतलब किस टाइप से ऑस्किलेशन हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लेते हैं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब होता है प्रतिदीप्तशील पर्दा, यहाँ पे एस मतलब स्क्रीन है। ये जो होता है पर्दा, ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है जब इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराएगा तो चमक उत्पन्न करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कोई प्रतिदीप्तशील पर्दा या फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन टकराता है तो चमक उत्पन्न करता है, आवेश टकराता है तो चमक उत्पन्न करता है। तो कहाँ कहाँ टकरा रहा है वहाँ वहाँ पर चमक हमें दिखाई देगी और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो CRT है उसके अंदर किस प्रकार से कंपन या किस प्रकार से फील्ड लगी हुई है, किधर किधर फील्ड लगी हुई है हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो होती है जिंक सल्फाइड की बनी होती है, ये सामान्य ब्राइट कलर का कलर शो करती है। अगर विलेमाइट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ग्रीन टाइप का यहाँ पे फ्लोरोसेंट क्रिएट होता है। अगर हम कैल्शियम टंगस्टन या कैडमियम टंगस्टन का यूज़ करते हैं, इसके ऊपर लेप कर देते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हमें ब्लू कलर का जो होता है हमें फ्लोरोसेंट दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो अगली चीज़ है CRO के बाद, जो अगली चीज़ होती है उसके अंदर होता है स्वीप जनरेटर। स्वीप जनरेटर जो होता है टाइम बेस लाइन प्रोड्यूस करता है। टाइम बेस लाइन कैसे प्रोड्यूस करता है, स्वीप जनरेटर प्रोवाइड डायरेक्ट वोल्टेज और TB वोल्टेज। डायरेक्ट वोल्टेज ये जो होता है ये X1 X2 प्लेट से जुड़ा होता है जो टाइम बेस लाइन प्रोवाइड करता है, जिसको स्वीप जनरेटर कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जब X1 X2 प्लेटों के मध्य हम यहाँ पे टाइम बेस वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ये चलता कैसे है, तो इसके अंदर डायरेक्ट वोल्टेज ये देता है और दूसरा समय के साथ इसके अंदर कितना वाइब्रेशन हो रहा है वो शो करता है। तो ये क्या होता है कि सपोज कीजिए यहाँ पे डायरेक्ट जो वोल्टेज था यहाँ से प्रोड्यूस हुआ और टाइम ऐसे बढ़ा, वोल्टेज ऐसे बढ़ा, तो ये धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिए जब ये यहाँ पे आगे ऐसे बढ़ रहा होता है तो यहाँ पे जो करंट ये जो होता है ये इधर से इधर जा रहा होता है। तो ये आपका हो गया ओ कंडीशन जिसको हम बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओ कंडीशन, और ये होता है आपका एम कंडीशन। तो ये ओ से एम तक ये होता है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है, फिर ये क्या होता है अचानक ये जीरो हो जाता है, कुछ टाइम पे जाने के बाद अचानक ये जीरो हो जाता है, फिर वापस M से N तक ये क्या होता है इसका वोल्टेज जीरो हो जाता है, और फिर ये M N से लेकर यहाँ तक आगे फिर बढ़ता है। मतलब ये हम बात करें कि ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ये इस टाइप से ये यहाँ पर इस टाइप से चलता हुआ आगे आपको प्रतीत होता रहता है। तो ये इस तरफ ये गमन करता रहता है, लेकिन दृष्टि निर्बंध या हम कह सकते हैं कि टाइम डिलीशन के कारण ये जो चीज़ होती है ये हमें लगातार एक लाइन दिखाई देती है जो इधर से इधर आगे बढ़ती रहती है, इस टाइप से आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज होता है इस टाइप से फ्लोरोसेंट क्रिएट करते हुए यहाँ तक जाता है, फिर वापस जीरो पे आता है, फिर यहाँ से जाता है, फिर वापस जीरो आके यहाँ पे जाता है। मतलब ओ से एम इस टाइप से कंटिन्यूस टाइम बेस लाइन हमें प्रदान करता है एक्स वोल्टेज पे। इसको हम कहते हैं स्वीप जनरेटर। वो स्वीप जनरेटर ही हमें टाइम बेस लाइन या समयाधार जो रेखा होती है या जो लाइन होती है वो हमें प्रदान करता है। अब इसका काम क्या होता है, समयाधार वोल्टेज जब हमें प्रोवाइड कराया जाता है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें क्या करना रहता है, एक लाइन हमें चलती हुई दिखाई देती है लगातार। जैसे आपने देखा होगा कि किसी मरीज के ऊपर जब हम कोई आपने देखा होगा जो बहुत ही जिसके अंदर ECG जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर क्या होता है जो ऊपर चलती हुई लाइन होती है, अगर व्यक्ति डेड हो जाए तो एक लाइन हमें दिखाई देती है, तो वो टाइम बेस लाइन होती है। टाइम बेस लाइन टाइप से वो एक पूरी लाइन हमें दिखाई देती है। इसका उपयोग जो ECG होता है उसके अंदर या फिर आपने हृदय की धड़कन होता है उसके अंदर प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा। तो अब इसके अंदर होता क्या है, इस टाइप से टाइम बेस लाइन हमें मिल गई। अब वर्किंग जो होती है वो देख लेते हैं। इसके अंदर फर्दर कंपोनेंट में एम्पलीफायर होता है जिससे हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो उसके अंदर होगा ही, पावर सप्लाई जो होगा वो होगा ही। तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं ABC इसके CRO के मुख्य भाग होते हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग क्या होती है, मतलब इससे हम किस प्रकार से जो लिसाजू आकृतियाँ होती हैं उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब हमने टाइम बेस लाइन लगा दिया और जिस भी तरंग का हमें
ग्राफ देखना है या वोल्टेज देखना है उसको हम क्या करते हैं वाई प्लेटों पर लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने वाई प्लेटों पर यहाँ पे अल्टरनेट करंट क्या किया मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब अल्टरनेट करंट जब मैंने यहाँ पे लगाया तो अल्टरनेट करंट क्या होगा वाई प्लेटों पर जब हम लगाते हैं तो क्या वर्टिकल जो होता है वहाँ पर लाइन हमें शो होती है। तो वर्टिकल लाइन शो होती है हमें ऐसे और ये हमें टाइम बेस लाइन ये हमारी इधर है। अब होता यह है कि जब यहाँ पे टाइम बेस लाइन लगाते हैं तो जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो कंपन हो रहा होगा वोल्टेज वो जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे टाइम बेस लाइन में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे है और इसके कारण तो और जो वोल्टेज है वो एकदम जीरो पे है तो यहाँ पे रहेगा। अब जैसे ये टाइम बेस लाइन थोड़ी आगे बढ़ी मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये से यहाँ से जब इस टाइप से आएगी जब ये आगे बढ़ेगी उस समय जब कंपन वाई डायरेक्शन का ऊपर होगा तो यहाँ पे मैं ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ पे खींची हुई दिखाई देगी। फिर ये नीचे जब ये कंपन नीचे आ रहा होगा और लाइन जब ये वाली लाइन जब यहाँ पहुँची होगी तो यहाँ पे जीरो दिखाई देगा। और इस प्रकार से जब ये टाइम बेस लाइन का जो चार्ज है वो यहाँ पे इस टाइप से चल रहा होगा वोल्टेज और अगर कंपन नीचे की ओर है तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर टाइम बेस लाइन यहाँ पे एंड पे है और कंपन अगर जीरो होता है तो यहाँ पे इस टाइप से दिखाई देगा। कल कुल मिला के जैसे जैसे वोल्टेज आगे जाता है और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ गमन कर रहा होता है तो ये वोल्टेज के कारण जिसको जितनी जिधर जिधर होता है उधर उधर खींचते चले जाता है। तो उसके कारण होता क्या है कि खींचने से जो आकर्षण होता है उसके कारण ये डिफ्लेक्शन हमें क्या होता है पर्दे पर दिखाई देता है और ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब लिसाजू आकृतियां कैसे प्राप्त करते हैं अगर दोनों ही y1, y2 और x1, x2 पर दो अलग प्रकार के वोल्टेज हम लगा दें। अलग प्रकार के वोल्टेज लगाने से क्या होता है इनके अंदर जो कंपन होता है वो अलग टाइप से होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे डायरेक्ट करंट का जो शेप होता है वो अलग होता है एकदम एक सीधी लाइन होती है। अल्टरनेट करंट का आपने देखा होगा इस टाइप से होता है। आपने देखा होगा सार्टूथ वेव जो होती हैं वो इस टाइप से गमन करती हैं या फिर आपने टाइम स्क्वायर लाइन जो देखी होगी इस टाइप से चलती हुई ये इस टाइप से कंपन तो ये स्क्वायर वेव जो होती हैं ये अलग अलग जब अलग अलग टाइप के हम वोल्टेज लगाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के यहाँ पे होते हैं यहाँ पे कंपन दिखाई देते हैं और किस प्रकार का वोल्टेज हम यूज़ कर रहे हैं वो वाई पर ही हम क्या करते हैं लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग टाइप के जो फ्लोरोसेंट होते हैं मतलब यहाँ पे जो हमें आकृति होती है वो दिखाई देती है। अगर अलग अलग वोल्टेज लगाते हैं तो अलग अलग आकृतियाँ प्राप्त होती हैं जैसे आपने देखा होगा अगर हम इस टाइप से लगा दें तो इस टाइप से हो जाएगा कभी इस टाइप से और अलग अलग शेप के हमें यहाँ पे लिसाजू आकृतियाँ प्राप्त होती है। तो लिसाजू आकृतियों को प्राप्त करने के लिए लिसाजू जो शेप्स होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए सीआरओ का प्रयोग किया जाता है। यूजर्स की अगर हमें बात करूँ तो ईसीजी के अंदर मैंने आपको बताया धड़कने जो होती हैं उनका जो डायग्राम होता है कि किस प्रकार से जो वाइब्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंदर वो हमें देखना हो तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उसका प्रिंट निकाल के आप देख सकते हैं आपके कागज़ पे भी। और अगर हम देखें तो रेडार जो हमारी टेक्निक होती है या फिर टेलीविज़न जो होता है या जितने भी हम देखते हैं एक चित्र बनाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है इस टाइप का प्रयोग किया जाता है। आपने रडार के अंदर देखा होगा बहुत बड़ा एक स्क्रीन होती है उसके अंदर अलग अलग टाइप से अलग अलग पॉइंट्स पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें दिखाई दिया जाता है वो इनके कारण ही दिखाई दिया जाता है। तो ये जो पूरा नॉलेज था ये सीआरओ के बारे में था इसका जो फंक्शन था ये बेसिक जो था कि किस प्रकार से वर्क करता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके और किस टॉपिक पर फिजिक्स के अंदर वीडियो बना के दे सकता हूँ। अगले वीडियो तक के लिए जो भी मैं बनाऊँगा तब तक के लिए जय।